पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम पे क्वेश्चन कैसे खत्म करने हैं, कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से करना है। अकाउंटेंसी की जब हम बात करते हैं, तुम्हारे भी जो रिसेंट प्री बोर्ड होंगे तुमने एक अंदाजा तो लगा लिया होगा, क्वेरीज डाउट्स तुम लोगों के बहुत सारे हैं। ये वीडियो सही समय पे तुम लोगों ने क्लिक करी है। एक एक बात जो मैं यहाँ बताऊँ मैंने फ्रीडम में तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी जब हम बात करते हैं लास्ट 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की। अकाउंटेंसी में जितने भी प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मैं तुमको इसी वीडियो में दूंगा। जरूरी है तुम्हारा एंड तक बने रहना, अपने टाइम पर उन लास्ट डेज में ही अपना रोड मैप सही करके ही मंजिल तक पहुंचा था। अगर अकाउंटेंसी में मेरे नंबर कम आते तो 98.2% मेरे लिए पॉसिबल नहीं होते मेरी क्लास 12। एक टिप जो बताऊंगा इम्पोर्टेंट है, बट उससे पहले इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने अकाउंटेंसी की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियो भी अपलोड कर रखी है। तुम लोगों ने वो नहीं देखी है, मैं ऊपर आई बटन पे वो वीडियो तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज तुम डिस्क्रिप्शन से भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी तुम्हारी अकाउंटेंसी में। बाकी इस वीडियो में मैं तुम्हारे डाउट्स तो क्लियर कर ही दूंगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं वापस से बता रहा हूँ, ये चैनल अभी बात बोर्ड सी कर रहा है, सीयूटी भी आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर भी पार करना है। लंबी जर्नी है, पूरी जर्नी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। बस थोड़ा सपोर्ट दिखा देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर देना जिनको भी डाउट हो रहा है, जिनको भी ये समझ नहीं आ रहा अकाउंटेंसी में इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो है वन स्टॉप सलूशन। एक मिनट, अपना इंट्रोडक्शन तो मैं हर वीडियो की तरह वापस से देना भूल ही गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल जितिन क्यार। अकाउंटेंसी के पेपर में अभी जो तुम्हारे प्री बोर्ड होंगे, एक बात समझ आ गई होगी, टाइम पे पेपर कभी खत्म होगा नहीं। टाइम मैनेजमेंट ये जो टर्म है ना, अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। समझ लिया कि किस तरीके से अकाउंटेंसी के पेपर को टाइम पे खत्म करना है, पेपर हलवा लगेगा यकीन मानना। सुनो, तुम लोग पता है मेजर मिस्टेक क्या करते हो, अकाउंटेंसी के पेपर में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं तुम्हें पता ही नहीं है किस क्वेश्चन को कितना समय देना है। एक बात बताऊं, ये लास्ट डेज है ना तुम्हारे पास, जो भी क्वेश्चन को तुम टच करो स्टॉपवॉच लगा के, टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर जो लॉन्ग फुल फ्लेज क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बैलेंस शीट पूछी होती है या फिर जिसमें ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट होती है, तुम लोगों को 20-25 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर उससे ज्यादा समय लग रहा है यकीन मानना पेपर छूट जाएगा। स्टॉपवॉच की हेल्प से टाइमर लगा लो 20-25 मिनट का और विद इन टाइम फ्रेम जो भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो उस क्वेश्चन को उसी टाइम फ्रेम के अंडर करने की कोशिश करना, जिससे तुमको ये समझ आ जाए कि एट द एंड जब तुमसे फुल फ्लेज क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व हो रहा होगा बेसिकली तुमको टाइम यही लग रहा होगा। अगर सारा समय तुम लोगों ने फुल फ्लेज क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में लगा दिया, 30-35 मिनट या फिर 40 मिनट भी कई कई लोग लगा देते हैं कैश फ्लो की जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, पेपर में सबसे बड़ी गलती तुम यही करोगे, टाइमर लगा के सॉल्व करो। और मैं वापस बता देता हूँ, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें तुम लोग को 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अच्छा, एक और चीज तुम लोगों को पेपर में परेशान करेगी, एमसीक्यूज। कई सारे तुमको एमसीक्यूज मिलेंगे जिसको सॉल्व करते हुए इतना टाइम लग जा रहा है कई सारे स्टूडेंट्स को, 5 मिनट 10 मिनट, वो भी एक मार्क के लिए, बड़ी नाइंसाफी है भाई। इसलिए तुम यहाँ पे मेंटली खेलना पेपर को, अटेम्प्ट तो तुम लोगों को सीक्वेंस वाइज ही करना है, चाहे तुम स्पेस छोड़ देना उस क्वेश्चन के लिए बट उस सीक्वेंस को मत ब्रेक करना, क्योंकि एग्जामिनर के सामने एक अच्छे इंप्रेशन में तुम्हारा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तुमको मेंटल गेम खेलना है। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी तुम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने बैठते हो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है इन कंपैरिजन टू लास्ट में जो हमारी जल्दी जल्दी स्पीड हो जाती है ना, फायदा तुम यही उठाओ। सीक्वेंस में तो तुम पेपर कर ही रहोगे, थोड़ा स्पेस छोड़ देना अगर कोई क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहे। कोशिश ये करना जो तुम्हारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट होती है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो ज्यादा कैटेगराइज हो रही होते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने की, ठीक है। और जो तुम्हारे लास्ट का समय बचेगा ना, लास्ट के समय में जब तुम्हारा माइंड जल्दी जल्दी काम कर रहा होगा वो एग्जाम के प्रेशर के डर से, कोशिश करना उस समय पे तुम वो क्वेश्चन उठाओ, एक एक मार्क्स, दो दो मार्क्स वाले जो तुम सोच रहे थे जिनमें तुमको ज्यादा समय लगेगा सॉल्व करने में। ये एक मास्टर स्ट्रेटजी है, मास्टर टिप है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। वापस से पीछे करके सुन लेना जो बोला है, इंप्लीमेंट करके देखना, कभी कहीं कमी नहीं रहेगी जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के पेपर को टाइम पे सोल्व करने की। एक और चीज, कई सारे अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स,
बोर्ड के पेपर में तो कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं होता, हमें जितने भी कैलकुलेशन करनी होती है वो मैनुअली करनी होती है ना। प्री बोर्ड में देखा होगा तुम लोगों ने एक एक नंबर वहीं कटवा लिए कि छोटी मोटी कैलकुलेशन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, इतनी जल्दबाजी किस बात की। ये बात जरूर याद रखना, एक एक कैलकुलेशन की मिस्टेक से अगर गलत आंसर वहाँ पे लिखा ना तुम लोगों ने अपनी आंसर शीट के अंदर, पूरा आंसर कट हो जाएगा, तुमको वहाँ मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। मेरे तुम लोगों से वापस एक रिक्वेस्ट है, अपनी ये जो एरर वाली चीज़ तुम कर रहे हो हर एक पेपर के अंदर लगातार लगातार लगातार, तुम कोशिश करो या तो मिनिमाइज कर दो, या तो तुम सही तरीके से एक स्पेस बना के छोटा सा ना साइड में स्पेस बनाओ, या फिर क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी छोटी कैलकुलेशन तुम पेंसिल से कर दो, ताकि ना उसको बार बार रीचेक करो, जिससे जो तुम आंसर वहाँ लिख रहे हो वो तुम्हारा कैलकुलेशन वाइज करेक्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन एक सबसे बड़ा मेजर रीजन होता है जिसकी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं बच्चों के। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो मैन्युअली कैलकुलेशन करो, लेकिन सोच समझ के 3-4 बार रीचेक करके प्लीज। अभी ना ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ना चैप्टर स्पेसिफिक डाउट होंगे, जिनको समझ नहीं आ रहा होगा कि हाँ भाई शेयर वाले चैप्टर कैसे करना है, डिबेंचर वाले चैप्टर कैसे करना है। आज से 2 साल पहले जिन चैप्टर्स को मैंने कवर करा था यूट्यूब की हेल्प से, वो प्लेलिस्ट मैंने तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सेल शीट के जरिए प्रोवाइड कर रखी है, वो एक्सेल शीट जरूर डाउनलोड कर लेना। उस एक्सेल शीट से तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और यकीन मानना सारी वीडियोज वही वीडियोज है जो मैंने अपने टाइम पर यूज़ करी थी। डिटेल मैनर में ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने वो एक्सेल शीट प्रिपेयर करी है तुम लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट में। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ चैनल को, अभी तक अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखा देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, वो एक्सेल शीट तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम चैप्टर स्पेसिफिक डाउट्स तो अपने क्लियर कर लोगे, बट रिवीजन का क्या? जब लास्ट डेज में तुम आओगे, वो जो गैप डेज मिल रहे होंगे उनमें तुम थोड़ा ना ये वीडियो ये बुक उठा के बैठोगे, यहाँ पे तुम्हारी काम आएगी कंसेप्ट शीट। अभी कंसेप्ट शीट क्या, अभी क्लियर कर देता हूँ। एक शीट लो, शीट पे ना ऊपर बड़ा बड़ा पहले चैप्टर का नाम लिख दो, और जो भी तुम क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, छोटी मोटी एडजस्टमेंट ऐसी आती है जो हम ना सोचते हैं ये एडजस्टमेंट तो हमको लास्ट तक याद होनी चाहिए, राइट, लेकिन कभी कभार हम फिर जब रिवीजन की बारी आती है तब वो ना चीज़ भूल जाते हैं, माइंड से स्लिप हो जाते हैं, वो छोटा छोटा मोटा फॉर्मूला माइंड से रह जाता है। तुम लोग अपनी कंसेप्ट शीट खुद बनाओ, जब भी कोई प्रैक्टिस कर रहे होगे तुम लोग, छोटी मोटी एडजस्टमेंट ऐसी आए जो तुमको लगता है जो तुमको पता होनी चाहिए, वो एडजस्टमेंट तुम इस शीट पे जो तुमने मैंने बताई ना थोड़ी देर पहले, इस शीट में उस चैप्टर की हेडिंग के नीचे लिख दो। और ये ऐसी शीट तुम हर एक चैप्टर के लिए प्रिपेयर करो। अकाउंट्स में ये कंसेप्ट शीट होती है, इस कंसेप्ट शीट को खुद मैन्युअली प्रिपेयर करो। एक ही क्वेश्चन जो तुम प्रैक्टिस करोगे अपनी इलस्ट्रेशन के साथ, उनमें तुम अलग अलग एडजस्टमेंट अलग अलग ट्रीटमेंट तुमको जरूर मिलेगी। कंसेप्ट शीट तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, रिविजन के टाइम पर वापस से बुक्स या फिर तुम लोगों को YT वीडियोज नहीं देखनी पड़ेगी। ऐसे अभी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा होगा, भाई क्वेश्चन उठाया बंद ही नहीं रहा, भैया क्या करें हमको तो अपने ऊपर डाउट हो रहा है। एक मिनट, तुमसे किसने बोला है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की? अभी तुम्हारी जो भी रेफरेंस बुक हो, तुमने एक चीज तो नोटिस करी होगी यार, इलस्ट्रेशन इतनी ज्यादा गिवन होती है, वो इलस्ट्रेशन किस लिए, तुम लोग ये इसकी इंपॉर्टेंस मत भूलना, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होती है। तुम लोग जो भी चैप्टर खत्म करो ना यूट्यूब वीडियो देख के, है ना, वन शॉट देख के जो तुमने नोट्स प्रिपेयर करे हो, कोशिश तुम डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस पे आया करो, इलस्ट्रेशंस को प्रैक्टिस किया करो देख देख के, चलेगा, अभी टाइम है हो जाएगा। बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया, डायरेक्ट तुम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी और आंसर नहीं निकलेगा ना, तो फिर वो ज़्यादा कहीं ना कहीं तुम्हारा सेल्फ डाउट वाला पार्ट बढ़ा देगा और तुमको डाउट में डाल देगा कि तुमसे तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। कोशिश ये करो, इलस्ट्रेशन को पकड़ो, इलस्ट्रेशन तुम प्रैक्टिस करो, इलस्ट्रेशन में कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट ऐसी आती है जो तुमको पता होनी चाहिए, तुम वो कंसेप्ट शीट में लिख लो, नोट डाउन कर लो, ताकि रिविजन के टाइम पर तुम्हारी वो कंसेप्ट शीट भी हेल्प कर रही हो। और अभी फिलहाल तो तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड इलस्ट्रेशन की हेल्प से करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अभी मत आओ, इलस्ट्रेशन से कॉन्फिडेंस को रीगेन करो, रीबिल्ड करो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ ये, जिनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने कंसेप्ट्स के ऊपर, कंसेप्ट्स देख लिए अच्छा करा, बट उनको अप्लाई करते टाइम पे देख देख के कोशिश करो अप्लाई करने की इलस्ट्रेशन की हेल्प से, ताकि समझ आ जाए किस आइटम की कैसे ट्रीटमेंट होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे लिखी है, समझ नहीं आता ना। एक चीज मैं पता क्या करता था, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा होता है, लैंग्वेज ना कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम क्या करते हैं, अभी तुम्हारी सिचुएशन में बताता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे ना जब आंसर लिखने बैठते हो, बार बार उस क्वेश्चन की तरफ जाते हो इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए, राइट,
सबसे बड़ी बेवकूफी है, जब तुम आधा क्वेश्चन सोल्व कर लिया वापस से क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो पढ़ने के लिए यहाँ अभी क्या क्या लिखा हुआ है, ये करना ही क्यों है। तुम लोग अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो क्वेश्चन को पढ़ने में, वहीं से ही पहले जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल लो ना। तुमको पता है बोर्ड एग्जाम में तुम रफ शीट करके कॉलम बना सकते हो, एक शीट पूरी जिसमें तुम सारे रफ वर्क करो, उस रफ शीट के ऊपर तुम लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी छोटी मोटी जानकारी हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल हो, इंटरेस्ट का रेट गिवन हो, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो ना जो तुमको लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी, वो इन्फॉर्मेशन तुम उस रफ शीट के अंदर पहले अलग से बॉक्स बना के लिख दो, ताकि एट द एंड ना जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो वापस वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते टाइम पे तुमसे कोई भी चीज मिस ना हो। ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन पहले कंसाइज मैनर में नोट डाउन कर लो, इंटरप्रेट कर लो, ताकि तुम जब आंसर लिखने बैठो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते टाइम पे तुमसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो, और तुमको कंसाइज मैनर में बताओ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसकी हेल्प से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक और मास्टर टिप थी, मैं वापस रिमाइंड कराऊंगा तुमको, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, इतनी मेहनत मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। अकाउंटेंसी के पेपर में स्टेप मार्किंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, मत भूलना। अकाउंटेंसी के पेपर को जब तुम सोल्व करने बैठो, कोई भी आंसर तुम लिख रहे हो, वर्किंग नोट हो गया, तुम्हारा नोट्स जो अकाउंट्स हो गया, या फिर कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन भी होगी, छोटा मोटा फॉर्मूला भी हो गया, बॉक्स बना के हाईलाइट करो। कभी कभार ये एक एक नंबर ही डिसाइड करते हैं पास और फेल के डिसीजन में, या फिर जब बात करते हैं हम टॉपर और सेकंड आने वाले पर्सन को जज करने में, एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है। जो भी तुम स्टेप मेंशन करो उसको बॉक्स बना के ही लिखो। वर्किंग नोट यस जरूरी है, नोट्स टू अकाउंट्स यस जरूरी है, टाइम पे सॉल्व करना है यस करना है, कैसे करना है, टाइमर लगा के करना है, स्टॉप वॉच की हेल्प से प्रैक्टिस करते टाइम पे तुम आदत बनाओ, एग्जाम आते आते खुद सुधर जाओगे। लेकिन स्टेप मार्किंग को इग्नोर मत करना, अगर स्टेप मार्किंग को इग्नोर करा सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जितना लंबा तुम डिटेल उस आंसर को लेके जा सकते हो लेके जाने की कोशिश करना, एक एक चीज एक एक स्टेप मिस करना कुछ कंजूसी करके कुछ टाइम बचाने के चक्कर में, एक एक नंबर मत कटवा के बैठ जाना। स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करें? देखो सिंपल सी बात है, जो भी स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास है उसी पर ही रिलाई करो जिससे तुम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए हो। स्टडी मटेरियल चेंज किया ये मतलब होगा तुम धोखा दे रहे हो अपने बेस्ट फ्रेंड को। तुम्हारी बुक्स तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उन बेस्ट फ्रेंड का साथ लास्ट दम तक निभाओ। जो भी सैंपल पेपर जो भी क्वेश्चन पेपर तुमने लोगों ने अब तक बाय कर लिया उसी पर यकीन दिखा सकते हो। बट मैंने तुम लोगों के लिए एक छोटी सी हेल्प कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा, उस लिंक में मैंने सारे के सारे सीबीएसई के सैंपल पेपर्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटैच कर रखे हैं, एक बार उनको जरूर देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तुम लोगों की उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और वो ड्राइव लिंक तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर पाओगे। एक मिनट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ये है वीडियो का लास्ट पार्ट जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा अकाउंटेंसी के पेपर में प्रेजेंटेशन पे कैसे ध्यान देना है, अकाउंटेंसी के पेपर में लिखना कैसे, अकाउंटेंसी के पेपर में पेपर अटेम्प्ट आकर करना कैसे है, क्या है प्रेजेंटेशन का करेक्ट वे, ध्यान से सुनना। अब तुम इसके नोट्स बना लो, ठीक है। पेपर तुम लोगों को सिक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहा है या फिर तुमको लगता है टाइम लगेगा, उसके लिए स्पेस छोड़ देना है, पहली बात। अब सुनो दूसरी बात, क्वेश्चन हमेशा सेपरेट शीट से स्टार्ट करना है। मतलब अगर तुम चलो सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हो, नई शीट से स्टार्ट करना है, ऊपर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2A और उसके अराउंड क्लाउड बना देना है, जिससे एग्जामिनर को ये समझ आ जाए तुम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, और नीचे वाली जो शीट होगी नीचे वाला जो स्पेस होगा वहां पे अपना आराम से सोल्यूशन कर लो। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई तुमको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम एक्स्ट्रा शीट नहीं ले सकते हैं, कुछ ले सकते हो, एक्स्ट्रा शीट ले सकते हो, सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तुम लोग क्वेश्चन हमेशा सेपरेट शीट से स्टार्ट करना, आंसर नंबर 2 का पार्ट ए अगर अटेम्प्ट कर रहे हो ऊपर बड़ा बड़ा लिखो, क्लाउड बना दो, फिर नीचे आंसर शुरू करो। अगर तुम इसी क्वेश्चन का पार्ट बी अटेम्प्ट कर रहे हो और नीचे स्पेस अगर रह जाता है, छोड़ो उसको, अगली शीट पे जाओ, अगली शीट पे लिखो आंसर नंबर 2 पार्ट बी, उसके अराउंड क्लाउड बनाओ, नीचे आंसर तुम अपना स्टार्ट करो। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तुम लोग, प्लीज क्वेश्चन को क्लियरली विजिबल बनाना। कभी कभार हम डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट कर देते हैं ना, एग्जामिनर से क्वेश्चन अगर मिस हो गया रीचेकिंग के टाइम पे नंबर नहीं बढ़ते हैं, पहले क्लियर कर देता हूँ। नंबर 3 पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, जब भी कोई तुम स्टेप मेंशन करो वहां पे बुलेट पॉइंट स्टार या फिर उसको बॉक्स में बनाना मत भूलना, जिससे एग्जामिनर को नजर आ जाए कौन सा स्टेप तुमने मेंशन कर रखा है। कभी कभार ना हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते टाइम पे अगर गलत आंसर वहां पे लिख देते हैं, एग्जाम ने तुमको मार्क्स देगा जो तुम लोगों ने स्टेप्स मेंशन कर रखे होंगे, ये मत भूलना, इसकी इंपॉर्टेंस को नेगलेक्ट मत करना। अकाउंटेंसी के पेपर में तुम दोनों साइड मार्जिन बना देना, जिससे ना तुम रफ वर्क जो करो वो मार्जिन के अराउंड ही करते रहो, जो छोटे मोटे कोई कैलकुलेशन हो, मल्टीप्लीकेशन करनी हो, एडिशन करनी हो, तुम ये पूरी शीट के अराउंड जो मार्जिन बना रहे हो ना, दो
थोड़ी ब्रॉड मार्जिन बनाना, और उस मार्जिन में इतना तो स्पेस होना चाहिए जो तुम अगर कैलकुलेशन कर रहे हो वो वहाँ पे तुम हाईलाइट कर पाओ, जिससे एग्जामिनर को वापस रफ शीट्स की तरफ जाके ना देखना पड़े तुम लोगों ने उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कैलकुलेशन करी है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग तुमको फिर फायदा देके जाएगी क्योंकि तुम लोगों ने क्लियरली वहाँ पे साइड में दिखा रखा है। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन एंड हो उसके नीचे एक लाइन बना के जरूर दिखा देना हो, ताकि ना एट द एंड एग्जामिनर को समझ आ जाए चलो ये उसका फाइनल सोल्यूशन है, और जो भी तुम्हारा सोल्यूशन का आंसर निकल के आ रहा है उसको भी बॉक्स बना के दिखा देना, ठीक है। कई एग्जामिनर क्या करते हैं, अगर तुम्हारा आंसर पहले देखेंगे क्या वो करेक्ट है, अगर वो करेक्ट होगा तो ऊपर वाला कोई चेक ही नहीं करता है, आराम से यू मार्क्स दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये गलत होएगा फिर वो स्टेप मार्किंग वाली बात आती है पिक्चर में, ठीक है। ऐसे तुम लोगों के जितने भी डाउट्स थे मैंने सारे क्लियर कर दिए अकाउंटेंसी के पेपर से रिलेटेड। अगर तुमको अभी भी कोई डाउट हो, अभी भी कोई क्वेरी हो, ये मत भूलना जितिन भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को तुम बताना। इस वीडियो से पहले मैंने अकाउंटेंसी की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियो जो अपलोड करी थी उसको भी जरूर देख लेना, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में से अभी भी पूछ लो, मैं वापस से बता रहा हूँ मैं तुम लोगों का जवाब वहीं दे दूंगा अकाउंटेंसी के पेपर से रिलेटेड, अगर मैंने कोई बात तुम लोगों को इस वीडियो में ना बताई हो। और हाँ, नेक्स्ट मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथ्स के डाउट सोल्व, जितने भी क्यूरीज है सारे की सारी मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने की। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चैनल अभी बात बोर्ड की कर रहा है, सीबीटी भी आएगा, डेल यूनिवर्सिटी तक का सफर भी पार करना है, लंबी जर्नी है, जितिन भैया तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, विश्वास तो करके देखो। वापस रिमाइंड करा रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से थोड़े से इंतजार और कर लो क्योंकि दिल्ली दूर नहीं।